क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है ट्रांसलेटरी मोशन मतलब लीनियर मोशन ठीक कोई भी बॉडी अगर एक लाइन में मोशन कर रही है तो कौन सा मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन और उसपे जो फोर्स लगता है फोर्स कॉल्ड ट्रांसलेटरी फोर्स और उसकी वैल्यू कितनी होती है मास इंटू एक्सलेन दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी बॉडी जब ट्रांसलेटरी मोशन कर रही थी तो उसमें फोर्स कितना लग रहा था मास इनटू एक्सेलरेशन जब बॉडी हमारा रोटेशनल मोशन कर, आ, करने लगे तो उस समय इस फोर्स का हमें एनालॉगी बताना था इट मीन्स रोटेशनल मोशन करे तो ये फोर्स कैसे चेंज हो जाएगा हमारे पास वो हमें फाइंड आउट करना था ठीक अब यहाँ पे देखो मान लेते हैं हमारे पास क्या था कोई एक बॉडी इस तरह से थी ये हमारा बॉडी एक ट्रांसलेटरी मोशन कर रही थी ट्रांसलेटरी मोशन मतलब कि जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी हमारा मोशन करेगी तो इसमें हमने कहा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था 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 और उसकी वैल्यू कितनी थी मास मास क्या था? हमारे पास इस बॉडी का मास था क्लियर हो गया तो इस इसपे जो ट्रांसलेटरी फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी मास इंटू एक्सलरेशन अब इस फोर्स की वजह से बॉडी देखो इसी लाइन पे इस लाइन पे बॉडी हमारा स्ट्रेट लाइन पे मोशन करती हुई चली जाएगी ठीक अब यहाँ पे देखो हमने कहा कि बॉडी अभी कौन सा मोशन कर रही थी ट्रांसलेटरी मोशन तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा था हमारे पास ट्रांसलेटरी फोर्स लग रहा था और उसकी वैल्यू कितनी थी मास इंटू एक्सिलरेशन अब बॉडी हमारा रोटेशन करने लगे रोटेशन मतलब क्या होता है कोई भी बॉडी किसी पॉइंट या किसी भी लाइन के अबाउट अगर रोटेट करना स्टार्ट कर दे तो कौन सा मोशन होता है रोटेशनल मोशन हमने कहा यहाँ पे कोई एक पॉइंट हमने इसके ऊपर बॉडी के कोई एक पॉइंट ओ ले लिया ठीक हमने कहा कि हमारे पास जो बॉडी थी हमारा इस पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर रही है तो ऐसा कब होगा देखो जो ये फोर्स था अभी ये हमारा रोटेशनल सॉरी लीनियर फोर्स था अब अगर कहें रोटेशन मोशन होगा तो ये हमें फोर्स क्या दे देगा एक टॉर्क प्रोवाइड कर देता है ठीक कैसे देखो हमने कहा कि बॉडी हमारा यही सेम बॉडी अभी पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर रही है तो देखो इस जो बॉडी का सेंटर होगा और पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है आर मान लेते हैं हमारे पास कितना डिस्टेंस था आर अब देखो जो ये डिस्टेंस आर था इस फोर्स के परपेंडिकुलर है देखो इस बॉडी पे जिधर फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन और जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है देखो ये फोर्स और ये डिस्टेंस कितनी थी एक दूसरे के परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी आर तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मला होता है टॉर्क अगर आप पढ़ें तो टॉर्क की क्वेश्चन क्या होता है फोर्स फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास फोर्स लाइन ऑफ एक्शन और जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं उस पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर कितनी है स्मॉल तो क्या r. तो क्या आ गया से आपने देखा कि जो हमारा लीनियर या ट्रांसलेटरी फोर्स लग रहा था अब किस में कन्वर्ट हो गया टॉर्क में कन्वर्ट हो गया क्योंकि यही फोर्स हमें टॉर्क देगा तभी बॉडी हमारा रोटेट करेगी रोटेट मतलब इस पॉइंट okay, देखो बॉडी हमारा इस तरह से अब रोटेट कर जाएगी यहाँ पे अब यहाँ पे इस तरह से बॉडी हमारा इस रोटेशनल मोशन कहते हैं अब बॉडी लिनियर मोशन नहीं करेगी अब देखो इस तरह से इस सर्कुलर पाथ पे बॉडी हमारा रोटेट कर रही होगी कंटिन्यूसली किसकी वजह से क्योंकि यही जो हमारा फोर्स था क्या प्रोवाइड करेगा हमें टॉर्क प्रोवाइड करेगा टॉर्क क्या होता है आपने कैलकुलेट किया एफ एन अब देखो जो टॉर्क होगा इस डायरेक्शन में लगेगा टॉर्क की डायरेक्शन ये होगी इस टॉर्क की वजह से बॉडी अब हमारा क्या करेगी रोटेशनल मोशन करेगी तो रोटेशनल मोशन क्या होता है जब हमें टॉर्क मिलता है तभी बॉडी हमारा रोटेशनल मोशन करती है अच्छा जब बॉडी पे सिर्फ फोर्स लग रहा था जब बॉडी हमारा ट्रांसलेटरी मोशन कर रही थी तो हमारा फोर्स की वजह से देखो अगर कोई बॉडी हमारा इस तरह से अभी रेस्ट में थी तो ये रेस्ट में रहेगी अगर हमने कहा कि इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया तो इस फोर्स की वजह से बॉडी हमारा क्या करेगी ट्रांसलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देगी इस लाइन पे इस तरह से मोशन करेगी तो ये फोर्स क्या कर रहा था बॉडी को ट्रांसलेटर मोशन करवा रहा था लेकिन हम कहें अगर ये रोटेशन करेगा तो ये टॉर्क ही बॉडी को हमारा रोटेशनल मोशन करवाएगा तो देखो फोर्स हमारा बॉडी को ट्रांसलेशन मोशन करवा रहा था तो टॉर्क हमारा बॉडी को रोटेशनल मोशन करवाएगा इट मीनस कि दोनों ही बॉडी को मोशन करवा रहे हैं तो जो फोर्स का एनालॉगी होगा इन रोटेशनल मोशन क्या हो जाता है हमारा टॉर्क आप देख पा रहे होंगे इस फोर्स का काम किस में कन्वर्ट हो गया टॉर्क में जब बॉडी हमारा रोटेशनल मोशन कर रही थी तो फोर्स का एनॉलॉगी पहली बात तो क्या हो गया टॉर्क फोर्स का एनॉलॉगी क्या हो गया टॉर्क अब यहाँ पे देखो मास जब बॉडी हमारा लीनियर मोशन कर रही थी तो इसका मास एम था जो काम हमारा मास कर रहा था जब बॉडी हमारा ट्रांसलेशन मोशन कर रही थी वही काम हमारा जब बॉडी हमारा रोटेशनल मोशन करती है तो मोमेंट ऑफ एनर्सिया का हो जाता है मास कब लेते हैं जब बॉडी हमारा कौन सा मोशन करती है ट्रांसलेशन मोशन करती है तब हम मास को कंसीडर करते हैं जब बॉडी हमारा रोटेशनल मोशन करती है रोटेशनल मोशन करती है तो हमारा मास की जगह पे सेम क्या आ जाता है हमारे पास मोमेंट ऑफ एम आई जिसको हम आई से दिखाते हैं ठीक मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्लियर हो गया तो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया में कब रोटेशनल मोशन में अब मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है देखो इस पॉइंट ओ के अबाउट बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसी पॉइंट के अबाउट को लिखना होगा i जनरली अगर इसको हम फार्मूला देखें तो i इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास m into r स्क्वायर इस बॉडी का मास देखो इस बॉडी का मास इनटू जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी हमारा रोटेट कर रही है उस पॉइंट से बॉडी के मास के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी r इसका स्क्वायर ये हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्लियर हो गया तो यहाँ से देखो अब मास किस में कन्वर्ट हो गया i में तो देखो फोर्स किस में कन्वर्ट हुआ था टॉर्क में मास किस में कन्वर्ट होगा i में तो मास का कन्वर्जन एनालॉगी क्या हो जाएगा इन रोटेशनल मोशन हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब a क्या था हमारे पास देखो

फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन का, का काम होगा वही सेम काम हमारा रोटेशनल मोशन में टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा का होगा क्लियर हो गया तो फोर्स का एनालॉगी क्या होगा हमारे पास टॉर्क मास का एनॉलॉगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्सीलरेशन का एनोलॉजी क्या होता है इन रोटेशनल मोशन हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन क्लियर तो फोर्स एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन को इन रोटेशनल मोशन क्या लिख सकते हो टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा इसको आप प्रूव भी कर सकते हो देखो कैसे यहाँ से आपने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो टॉर्क का इक्वेशन लिखा फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड आर क्लियर हो गया वैल्यू पुट कर दो लीनियर जो हमारे पास ट्रांसलेटरी फोर्स था उसकी वैल्यू कितनी थी मास इंटू एक्सीलरेशन तब बॉडी हमारा कौन सा मोशन कर रही थी देखो ट्रांसलेशन मोशन कर रही थी अब इसका मोशन हमें किस में कन्वर्ट करना है रोटेशनल मोशन में तो देखो फोर्स की जगह पे आप क्या लिख दोगे टॉर्क डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू मास क्या हो जाएगा हमारे पास इनटू टू हमारा अगर रोटेशनल मोशन होगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन ए एक इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास आर इन अल्फा ठीक तो यहाँ से देखो एक ही जगह पे हम क्या लिख सकते हैं आर इन अल्फा अब यहाँ पे देखो एक जगह पे क्या आ जाएगा आर आर क्या होगा जिस पॉइंट से अबाउट जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी हमारा रोटेट करे उस पॉइंट से बॉडी के डिस्टेंस कितनी थी स्मॉल परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ पे आ जाएगा एक जगह पे आर इंटू अल्फा अल्फा क्या था हमारे पास एंगुलर एक्सलेशन ए एक क्या था हमारा लीनियर एक्सिलेशन अब ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा ये रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो गया क्लियर ट्रांसलेशन से हम रोटेशनल मोशन में पहुंच गए तो टाउ पे देखो हमारे पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर एक आर यहां पे जाएगा हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा अब एम आर स्क्वायर क्या होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्सिया देखो तो टाउ इक्वल्स टू तो क्या जाएगा हमारे पास आई इंटू अल्फा तो जो काम हमारा ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन का होता है वही सेम काम हमारा रोटेशनल मोशन में टाउ इक्वल्स अल्फा का होता है तो फोर्स का एनालॉगी

आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर